Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Sanavity Wits. And today in this video, we are covering up another topic from literary devices, that is satire. So let's get started. So first of all, हम देखते हैं कि satire word जो है वो क्या है. The word satire comes from the Latin language satira. That's meaning is poetic madly, which derives from the earlier Latin term lang सचूरा. ठीक है, तो अर्लियर लैटिन वर्ड वॉज दिस, इससे बनता है ये, एंड देन कम्स दिस वर्ड. ओके, और इसका मीनिंग होता है अ फुल डिश ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स. ठीक है, एटिमोलॉजी है. क्वेश्चन यदि बनता है तो वेल एंड गुड, जस्ट लर्न दिस एंड सटायरा और सचूरा, दैट्स इट. ओके, देन वील सी द डेफिनेशन, लाइक वॉट सटायर इज एक्चुअली. सटायर कह सकते हो एक तरह का आर्ट है ऑफ मेकिंग समवन, किसी को या किसी चीज का, समवन और समथिंग लुक रिडिकुलस, रेजिंग लाफ्टर इन ऑर्डर टू एम्बेरस, हम्बल और डिसक्रेडिट इट्स टारगेट्स. ठीक है, तो बेसिकली सटायर, अभी हम बात करते हैं लिटरेचर की. लिटरेचर के अंदर सटायर जब राइटिंग में यूज किया जाता है, तो राइटर सटायर लिखते टाइम जो कोई कैरेक्टर होता है जिसके बारे में वो स्टोरी लिख रहा है, या फिर वो किसी के भी बारे में यदि सटायर यूज कर रहा है, तो वो उस पर्सन या फिर उस चीज का, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कोई पर्सन ही हो, वो कोई सोसाइटी भी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर कोई चीज भी हो सकती है. उसका मजाक बनाना, उसको रिडिक्यूल दिखाना, ठीक है, जिसे लाफ्टर रेज हो. ओके, बट द मेन पर्पज ऑफ सटायर इज नॉट टू अग्री विथ समथिंग कि हाँ इफ यू आर रॉन्ग और राइट, इस ये प्रूव करने के लिए नहीं होता, लोगों को हंसाने के लिए भी नहीं होता, जैसे कि कॉमेडी में होता है. कॉमेडी के अंदर जो सटायर जैसा ही कॉमेडी होता है जो यूज किया जाता है, कॉमेडी बेसिक जो कॉमिक होता है वो ह्यूमर जनरेट करने के लिए होता है ना, मजाक बनाने के लिए या फिर एक हंसी का माहौल क्रिएट करने के लिए होता है. लेकिन सटायर में ऐसा नहीं होता, ना ही सटायर क्रिटिसाइज करना चाहता है. लाइक सटायर के थ्रू किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, बल्कि चेंज लाने के लिए. किस सेंस में, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या आजकल मीम्स देखे होंगे जहां पर मजाक बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सटायर. ठीक है, जहां पर एक इंटेलिजेंट वे में किसी के बारे में मजाक बनाया जाता है. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे सपोज यदि कोई किसी कंट्री का जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, वो यदि 100% वोट से विन करता है, ठीक है, इलेक्शन जीतता है, जबकि वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसा कोई मीम जो कि मैंने कहीं पढ़ा, दैट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, तो वो एक सटायर. क्योंकि यदि डेमोक्रेसी है तो फिर 100% वोट्स कैसे मिले, सो इट्स अ सटायर. ओके, यानी ये मजाक जैसा ही हुआ ना, कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल, बट बिकॉज वो जो डेमोक्रेटिक कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है, उससे लोग कोई रीजन डरते हैं या जो भी है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली सटायर. नाउ विल सी टाइप्स ऑफ सटायर. तो देखो, ब्रॉड वे में देखें तो दो तरह के होते हैं. एक होता है फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल सटायर, और दूसरे को आप कहोगे इनडायरेक्ट सटायर. ठीक है, फॉर्मल को आप डायरेक्ट सटायर भी बोल सकते हो. तो फॉर्मल सटायर जो होता है वो इस तरह का सटायरिक पर्सोना कह सकते हैं. द सटायरिक पर्सोना स्पीक्स आउट इन द फर्स्ट पर्सन. जो सटायरिक पर्सोना होता है, यानी कि जो सटायर यूज किया जाता है किसी भी राइटिंग के अंदर, वो फर्स्ट पर्सन में यूज किया जाता है, यानी कि आई. ठीक है, आई मे एड्रेस ईदर द रीडर, यानी जो उस को पढ़ने वाला है उसका मजाक बनाने के लिए आए, या फिर वो कोई कैरेक्टर जो कि उसके अंदर दिया गया, तो उसके को. यहाँ पर जो फॉर्मल सटायर होता है वो देखा जाए तो एक तरह से डायरेक्ट सटायर, डायरेक्ट कमेंट है टू द रीडर और टू द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. हॉरेशियन एंड जुवेनल, ये दोनों जो हैं ये फॉर्मल सटायर के टाइप है. एंड जुवेनाइलियन सटायर का जो एग्जाम्पल है वो है एनिमल फार्म, यदि आपने पढ़ा हो ऑस्कर का. इसके बाद हम देखेंगे अनदर टाइप ऑफ सटायर, दैट इज इनडायरेक्ट सटायर. इनडायरेक्ट सटायर, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सटायर आर कैरेक्टर्स
who make themselves and their opinions ridiculous or obnoxious by what they think, say, and do, are sometimes made even more ridiculous. So basically what happens, like जो भी character है of the story, okay, वो अपने आप का ही अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपने काम से एक मजाकिया फॉर्म दे देते हैं अपनी चीजों को, उनका बिहेवियर, ठीक है. तो दैट इज लाइक नॉट डायरेक्टली कोई उसको कमेंट कर रहा है, वो खुद ही अपने आप में इनडायरेक्ट फॉर्म में अपना मजाक बनवा रहा होता है. तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सटायर. यहाँ पर एग्जाम्पल है मैनिफियन सटायर एंड वेरोनियन सटायर. अब यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सटायर. तो आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर फॉर्मल इनडायरेक्ट की जगह पर हॉरेशियन, जुवेनिलियन एंड द अनदर वन मैनिफियन वेरोनियन भी यूज कर सकते हो. इन चारों में से चार ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, इनमें से कोई भी एक गायब मिलेगा और इनकी जगह कोई और सटायर रखा, कुछ और रखा होगा, और आपको चूज करना होगा कि इनमें से कौन सटायर नहीं है. सो जस्ट टेक दिस इन योर माइंड फॉर एग्जामिनेशन पर्पज. देन अनदर क्वेश्चन कम्स दैट हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सटायर. सो फादर ऑफ द इंग्लिश सटायर इज जोनाथन स्विफ्ट. लेकिन फादर्स ऑफ सटायर का क्वेश्चन आता है तो वो है हॉरेस एंड जुवेनल, जिन पर फॉर्मल सटायर के दो फॉर्म्स बने. ओके, सो सिंपली ये सारे क्वेश्चन आपको सटायर के फॉर्म में मिलेंगे जब आप सटायर को प्रिपेयर करते हो. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू नो. यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, लाइक वॉट सटायर इज एक्चुअली, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमेडी. यस, सटायर ऑलवेज हैज आयरनी. जैसा कि आपने मैंने आपको आयरनी पढ़ा है, तो आप यदि आयरनी जानते हो तो समझ जाओगे कि इसमें सटायर में आयरनी ऑलवेज होता है ना. कहते क्या है, होता क्या. तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सिंपली डेफिनेशन से रिलेटेड, यानी चार व्हाट इज सटायर और चार ऑप्शन दिए हुए, तो आपको समझना होगा कि इनमें से चारों में से सटायर एक्चुअली क्या होता है. ओके, देन व्हाट इज द पर्पस. यदि हम पर्पस की बात करें सटायर की, अब जिस तरह से इस वीडियो में मैं बता रही हूँ आपको, उस तरह से तो यही लगता है कि दूसरे का मजाक बनाना, ठीक है, या फिर लोगों को हंसाना, किसी की भी इंसल्ट करके हंसाना. बट नहीं, सटायर का मतलब या सटायर यूज करने का पर्पस जो होता है राइटर का, वो ना ही तो किसी का मजाक बनाना होता है, लोगों को हंसाने के लिए भी नहीं यूज किया जाता, क्योंकि लोगों को हंसाने के लिए हम कॉमेडी यूज करते हैं. ओके, कॉमेडी इज ऑलरेडी देयर. देन टू क्रिटिसाइज समथिंग, तो क्रिटिसाइज करने के लिए भी सटायर यूज नहीं किया जाता. सटायर बेसिकली कुछ चेंज लाने के लिए है ना. जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्टून्स आते हैं जहां पर कुछ सटायरिकल रिमार्क, जो कि जैसे कुछ दिए हुए रहते हैं, वो एक तरह से इंटेलिजेंट वे में किसी का किसी को एक तरह से आईना दिखाना. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके, इट इज टू ब्रिंग अबाउट चेंज, मतलब इसका जो मोटो होता है वो पॉजिटिव होता है. ओके, ठीक है, इट्स नॉट लाइक टू इंसल्ट समवन. ओके, सटायर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर a particular person, it can be for a society, a group of people, it can be for a political reason, it can be for a personal reason. So there are like any of them it can be. For next topic aata hai ki examples of satire. To bahut sare examples hain. Simple example yadi main do to yahan maine aapke samne likha nahi hai, even I will suggest ki aap ek bar search kare aur fir mujhe bataye satire ki example. बट एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि हमने सबने पढ़ा हुआ है, गुलिवर्स ट्रेवल. ठीक है, तो गुलिवर्स ट्रेवल इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सटायर इन लिटरेचर. इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एनिमल फार्म, वो भी एक सटायर है. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि आपको सर्च करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, तो दैट वुड बी very much helpful to you. So that was all about satire, and I hope things are clear to you. In case if you have any problem, any issue, you can ask me anytime in the comment box. Thank you. See you in the next video. Bye bye.